पूज्य गुरु नानक देव का 554 जन्मोत्सव प्रकाश पर्व पुलगांव के दोनों गुरुद्वारा पंजाबी संगत गुरुद्वारा साहिब और सिंधी कैंप गुरुद्वारा साहिब में अत्यधिक धूमधाम से मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन यह पर्व संपूर्ण संसार में पंजाबी सिख सिंधी भाइयों द्वारा जहाँ भी वे बसते हैं वहाँ के गुरुद्वारा में अत्यधिक श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। गुरुद्वारा में सभी भाई बहन जाकर अरदास पाठ कर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन लेकर एक दूसरे को प्रकाश पर्व की शुभेच्छा देते हैं। पुलगांव से सिंधी कैंप स्थित गुरुद्वारा और पंजाबी गुरुद्वारा में सुबह से ही दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगा था। इस अवसर पर वर्धा जिला के सांसद रामदास तड़स ने पुलगांव पहुंचकर दोनों गुरुद्वारा में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। पंजाबी गुरुद्वारा संगत साहिब में किशोर खुराना ने संगत को साल ओढ़कर स्वागत किया और सिंधी कैंप गुरुद्वारा में मुखी सुदर्शन बजाज ने स्वागत किया। इस अवसर पर राजन उर्फ दारा चौधरी, सुनील अरोरा, सुरेंद्र खुराना, अनिल नागपाल, दीपक खुराना, नितिन बड़गे, आकाश दुबे, विशाल धोपड़े, राजू पंडपालिया, मधुकर रेवतकर, सुरेश सुकीजा, अमित आहूजा, अमित खुराना, प्रीतम अरोरा आदि उपस्थित थे। सांसद रामदास तड़स ने समाज के सभी भाई बहनों को तथा जिले के सभी सिंधी पंजाबी भाइयों को शुभेच्छा दी। पुलगांव में दोपहर 12 बजे से दोनों गुरुद्वारा में लंगर प्रसादी का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया था, जिसका लाभ समाज बंधुओं के साथ पुलगांव के विविध सामाजिक संगठन और व्यापारी भाइयों ने भी लिया। हर व्यक्ति अपनी ओर से सेवादार के रूप में सेवा देता दिखाई दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंजाबी समाज और सिंधी समाज के सभी युवा पुरुष और महिलाओं ने सहयोग दिया। प्रकाश पर्व से पूर्व लगातार 15 दिन प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ लिया। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगांव।